हेलो दोस्तों, तो एक नई वीडियो। आज हम बात करेंगे श्रीलंका और इंग्लैंड के ऊपर। दूसरा टेस्ट मैच जो गॉल में खेला जा रहा था, फाइनली ये टेस्ट मैच भी खत्म हो गया और इंग्लैंड ने कमाल गेम ऑफ क्रिकेट के बाद श्रीलंका को इस टेस्ट मैच में भी 6 विकेटों से हरा दिया। पहले हम थोड़ी स्कोर कार्ड में बात करेंगे कि श्रीलंका ने कहाँ कहाँ गलतियां की। श्रीलंका ने पहली इनिंग्स में काफी अच्छी बैटिंग की। श्रीलंका ने पहली इनिंग्स में बनाई 381 रन और काफी टाइम लेकर इनिंग्स बनाई, ठीक है, जिसमें मैथ्यूज ने 110 रन की इनिंग्स खेली और डिकवेला ने 92 रन की इनिंग्स खेली और काफी अच्छी बॉलिंग करवाई इंग्लैंड के बॉलर ने, स्पेशली जेम्स एंडरसन ने, क्योंकि हम सबको पता है जेम्स एंडरसन का रिकॉर्ड खाली इंग्लैंड में अच्छे, और जेम्स एंडरसन ने 6 विकेट ली और मार्क वुड ने 3 विकेट ली और इंग्लैंड के फास्ट बॉलर ने कमाल की बॉलिंग करवाई। और फिर पहली इनिंग्स में इंग्लैंड ने भी अच्छी बैटिंग की और 344 रन बनाए, जिसमें जो रूट ने 186 रन बनाए। जो रूट ने पिछले मैच में भी डबल सेंचुरी मारी थी और साथ से बटलर ने 55 रन बनाए और लसित ने 7 विकेट ली और मेंडिस ने 1 विकेट ली। जो गॉल की यह विकेट ने बिल्कुल फास्ट बॉलर को सपोर्ट करी थी, क्योंकि इंग्लैंड के फास्ट बॉलर ने भी विकेट्स ली थी और इधर मलिंग लसित ने भी 7 विकेट ली। फिर दूसरी इनिंग्स में श्रीलंका का काफी ही ताबड़तोड़ श्रीलंका ने बैटिंग की और श्रीलंका की पूरी टीम जो है बोल्ड आउट होकर 126 रन पर एक सडन कोलैप्स हुआ। पिछले पहले टेस्ट मैच में भी श्रीलंका ने पहली इनिंग्स में खराब बैटिंग की थी, दूसरी इनिंग्स में उन्होंने अच्छी बैटिंग की थी। यहाँ भी पहली इनिंग्स में अच्छी बैटिंग की, दूसरी इनिंग्स में काफी ही पैथेटिक बैटिंग की और श्रीलंका फिर फंस गया और इंग्लैंड को 164 का टारगेट चाहिए था। और लसित ने 40 रन की और मेंडिस ने 16 रन की और डॉन बेस्ट और जैक लीच ने 4-4 विकेट ली, क्योंकि हम सबको पता है चौथे दिन और पांचवें दिन जो है श्रीलंका में टर्न होने लगे थे। वो श्रीलंका वेस्ट इंग्लैंड को खाली 164 रन चाहिए थे, जिसमें डॉन सिबली ने 56 रन बनाए और जॉस बटलर ने 46 रन बनाए, ठीक है, और लसित ने 3 विकेट ली और मेंडिस ने भी 1 विकेट ली। और इन दी एंड श्रीलंका ये टेस्ट मैच हार गया और इंग्लैंड ने कमाल की परफॉर्मेंस के बाद श्रीलंका को वाइट वॉश कर दिया। दोनों के दोनों मैचेस जो है श्रीलंका को श्रीलंका में ही हराए और मैन ऑफ द मैच जो था जो रूट था, क्योंकि जो रूट ने कमाल की बैटिंग की। जो रूट ने पहली इनिंग्स में 186 रन बनाए और कमाल की बैटिंग की और जो रूट जो है साथ ही साथ मैन ऑफ द सीरीज भी मिला और इन एंड आउट काफी अच्छा टेस्ट मैच देखने को मिला। इंग्लैंड के फास्ट बॉलर्स ने कमाल की बॉलिंग करवाई और इस मैच में जो स्टार ऑफ द शो था वो मेरे ख्याल से लसित था, क्योंकि लसित ने बैटिंग भी अच्छी की और साथ साथ बॉलिंग भी अच्छी करवाई। और श्रीलंका की वही पुरानी आदत है, श्रीलंका एक इनिंग्स में अच्छी बैटिंग करती है, दूसरी इनिंग्स में वो खराब खेलती है और एक अच्छा टेस्ट मैच देखने को मिला। क्योंकि हम सबको पता है कि इंग्लैंड जो है खाली सब कॉन्टिनेंट पिचों में इंग्लैंड का काफी बुरा हाल रहा था, लेकिन इंग्लैंड ने इतनी मजबूत टीम को उनके घर में हराया और एक अच्छा कॉन्टेस्ट देखने को मिला। और अब जो है इंग्लैंड जो है आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप में जो है एक अच्छी टेबल पर है और श्रीलंका भी बाहर हो गई, पाकिस्तान भी बाहर हो गई, वेस्ट इंडीज भी बाहर हो गई है। अब जो 3 टीमें हैं, जिसमें 4 टीमें, जिसमें एक इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया इंडिया और साथ न्यूजीलैंड, इन 4 में से जो टीमें हैं वो आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलेगी। पाकिस्तान मोस्ट प्रॉब्लम भी बाहर हो गई। एक अच्छा मैच देखने को मिला और एक अच्छी सीरीज को देखने को मिली। आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ अगली वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।